हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल हेयर अन नर्सिंग फाइल। टुडे इन दिस वीडियो वी लर्न अबाउट हाउ टू मेक केस स्टडी। इन दिस वीडियो यू लर्न अबाउट द केस स्टडी ऑफ द किडनी स्टोन, रीनल कैलकुलाई, यूरोलिथियासिस, नेफ्रोलिथियासिस, सेम थिंग्स हेयर। एंड दिस केस स्टडी इज़ वेरी यूजफुल फॉर द एग्जामिनेशन पर्पज, फॉर प्रैक्टिकल फाइल वर्क पर्पज। तो आप यहाँ पर केस स्टडी को आसानी से लर्न कर सकते हो। तो आइए देखते हैं वीडियो में केस स्टडी ऑन किडनी स्टोन। दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द केस स्टडी और केस प्रेजेंटेशन। मीन्स किसी भी केस स्टडी के लिए अपन जब फ्रंट पेज तैयार करते हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट। मीन्स सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर कॉलेज का नाम, यार गुरु कृपा कॉलेज ऑफ नर्सिंग। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो भी हमारा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। नेक्स्ट जो हमारा मेन टॉपिक है यहाँ पर केस स्टडी ऑन रीनल कैलकुलाई। इसके बाद लिखते हैं सबमिटेड टू मिस, किस टीचर को आप अपनी केस स्टडी सबमिट कर रहे हो। द नेक्स्ट सबमिटेड बाय मिस, नेम ऑफ स्टूडेंट, बीएससी नर्सिंग, रोल नंबर, ईयर एंड डेट ऑफ सबमिशन। तो इस तरह से अपन यहाँ फ्रंट पेज को तैयार करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पेज हेयर। दिस इज द हिस्ट्री कलेक्शन फॉर्मेट एंड दिस वी फर्स्ट राइट द बायोग्राफिक डाटा ऑफ द पेशेंट हेयर। बायोग्राफिक डाटा में नेम ऑफ पेशेंट, एज, सेक्स, एड्रेस, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, रिलीजन, डेट ऑफ एडमिशन एंड डायग्नोसिस। जो हमारा केस है वो सेम डायग्नोसिस आएगा यहाँ पर, दिस इज किडनी स्टोन। इसके बाद लिखते हैं फैमिली हिस्ट्री, दिस इज द फैमिली हिस्ट्री। जैसा कि हम नर्सिंग केयर प्लान में लिखते हैं सेम यहाँ पर हम सीरियल नंबर, नेम, एज, सेक्स, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, रिलेशन, ये सारा फैमिली हिस्ट्री में लिखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद हम फैमिली ट्री यहाँ ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, मीन्स जो पेशेंट का प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री है वो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे। नेक्स्ट प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री, मीन्स यदि कोई पेशेंट का सर्जिकल हिस्ट्री है तो वो लिखेंगे। नेक्स्ट पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, मीन्स कोई भी यानी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है उसको हम यहाँ राइट डाउन करेंगे। नेक्स्ट पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, कोई पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री है वो राइट डाउन करेंगे। नेक्स्ट पर्सनल हिस्ट्री, मीन्स पेशेंट का कोई भी पर्सनल जो भी एक तरह से हैबिट्स, बैड हैबिट्स हो गया, डिजीज कंडीशंस रिलेटेड और जो भी चीज़ वो अपने अलग से एक्सप्रेस करे उसको यहाँ पर राइट डाउन करते हैं। नेक्स्ट सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री, मीन्स यहाँ पर पेशेंट की जो सोशल स्टेटस है, इकोनॉमिकल स्टेटस है, उसके बारे में हम राइट डाउन करते हैं। नेक्स्ट न्यूट्रिशनल हिस्ट्री, इस पेशेंट का जो भी न्यूट्रिशनल हिस्ट्री है उसको क्या अच्छा लगता है, क्या प्रेफर करते हैं वो खाने में, क्या उनकी न्यूट्रिशनल हैबिट्स है, वो सारा चीज़। नेक्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन, इसके बाद हम लिखेंगे मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन ईयर। पोस्चर ऑफ द पेशेंट, बॉडी कर, मूवमेंट, हाइट एंड वेट, स्किन कंडीशन, कलर, टेक्सचर, लीजन, टेम्परेचर, हेड एंड फेस, स्कल, फेस, आइज के बारे में, आईब्रो, आई लेसेस, आई लेड, आई वॉल, कंजक्टिवा, स्क्लेरा, विजन, प्यूपिल। नेक्स्ट ईयर के बारे में, एक्सटर्नल ईयर, टेम्परिंग मेम्ब्रेन, हियरिंग, नोज, एक्सटर्नल नेयर्स, नोस्टल्स, माउथ, लिप्स, ऑर्डर ऑफ माउथ, टीथ, म्यूकस मेम्ब्रेन, गम्स, टंग, नेक, लिप नोड, थायराइड ग्लैंड, रेंज ऑफ मोशन ऑफ द नेक, ईयर, चेस्ट, थोरेक्स इंस्पेक्शन, फर्गसन, ब्रीथिंग साउंड, हार्ट साउंड, ऑस्कल्टेशन। नेक्स्ट एब्डोमन। नेक्स्ट बैक कर्वेचर, स्पाइनल बिफिडा प्रेजेंट और नॉट। नेक्स्ट अपर एक्सट्रीमिटीज,
lower extremities, genitals, rectum, then इसके बाद लिखते हैं वाइटल साइंस, जिसमें टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी का नॉर्मल वैल्यू और पेशेंट का क्या है और रिमार्क जो भी है। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन जो जो भी परफॉर्म हुए वो, सीरियल नंबर, इन्वेस्टिगेशन, पेशेंट वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू, रिमार्क, ये सारे हमको यहाँ पर लिखने हैं। इसके बाद लिखते हैं हम यहाँ पर मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिकेशंस, यहाँ पे मेडिकेशंस फर्स्ट ट्रीन, सेक्ट्रियाजोन, प्रोसेमाइड, तो इस तरह से यह सारी मेडिकेशंस लिखेंगे। नेक्स्ट एनाटॉमी ऑफ किडनी मीन्स, इसके बाद हम केयर प्लान में सीधा नर्सिंग मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं थ्रू नर्सिंग केयर प्लान, बट केस स्टडी में हम जो भी डिजीज कंडीशन है उससे रिलेटेड सिस्टम का एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो भी है हम एक तरह से एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन के रूप में यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर एनाटॉमी ऑफ किडनी, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, इसके बाद हम यहाँ रीनल सिस्टम का एक तरह से डायग्राम ड्रॉ करेंगे। मीन्स केस हिस्ट्री में जो भी अपन सिस्टम रिलेटेड केस हिस्ट्री लिख रहे हैं, जैसे कि यदि रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड COPD का गेस्ट केस स्टडी होता था यहाँ पर, और रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम ड्रॉ करते, तो यहाँ पर हमने रीनल सिस्टम का डायग्राम ड्रॉ किया है। नेक्स्ट फिजियोलॉजी ऑफ किडनी, फंक्शन ऑफ किडनी, डेफिनेशन ऑफ द डिजीज मीन्स जो हमारा डिजीज है, रीनल कैलकुलाई, यूरोलिथियासिस, किडनी स्टोन, उसका डेफिनेशन, इट इज द प्रेजेंस ऑफ स्टोन इन द किडनी, तो ये लिखना है। इसके बाद इटियोलॉजी ऑफ द डिजीज, इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर, इसके अंदर हम टू टाइप्स में लिखेंगे, बुक फीचर्स एंड पेशेंट फीचर्स। मीन्स जो इटियोलॉजी बुक में हमें किताबों में पढ़ने को मिलती है, और दूसरा जो हम पेशेंट में अपीयर कर रहे हैं, ये सारा इटियोलॉजी हमको लिखना है इन बुक और इन पेशेंट। देन नेक्स्ट लिखते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ रेनल कैलकुलाई, नेक्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस मीन्स, ये भी इटियोलॉजी की तरह बुक फीचर, क्लाइंट फीचर, क्लिनिकल फीचर्स जो भी अपीयर है, मीन्स जो बुक में है जो क्लाइंट में अपीयर है, इस तरह से। नेक्स्ट डायग्नोस्टिक मैनिफेस्टेशंस, हियर जो बुक में डायग्नोसिस है और हमने पेशेंट के लिए जो परफॉर्म किए हैं सेम यहाँ लिखना है। नेक्स्ट मेडिकेशंस जो बुक में लिख रही है और यहाँ पेशेंट के लिए जो हम दे रहे हैं, दीज आर ऑल मेडिकेशंस। नेक्स्ट सर्जिकल मैनेजमेंट मीन्स, जो किडनी स्टोन उसका सर्जिकल मैनेजमेंट, हेयर एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉर्ट वेव लिथोट्रिप्सी, परक्यूटिनियस नेप्रोस्टोमी,
ओपन सर्जरी प्रोसीजर, तो डिफरेंट सर्जिकल प्रोसीजर्स हमको लिखने इन केस हिस्ट्री में। इसके बाद लिखते हैं हम लास्ट में नर्सिंग मैनेजमेंट, जिसके अंदर नर्सिंग डायग्नोसिस, फर्स्ट सेकंड डायग्नोसिस, थर्ड, फोर्थ, और इसके बाद होगा हमारे यहाँ पर केयर प्लान। नंबर फर्स्ट अक्यूट पेन सेकंड केयर प्लान, इम्पेयर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन, नेक्स्ट थर्ड केयर प्लान एयर रिस्क फॉर डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम, नेक्स्ट नंबर फोर्थ केयर प्लान नॉलेज डेफिसिट, लास्ट ईयर एंजाइटी रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन। नर्सिंग केयर प्लान के बाद हम पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, वो हम यहाँ लिखेंगे इन केस स्टडी। लास्ट में सबसे हेल्थ एजुकेशन लिखी जाती है। दिस इज द हेल्थ एजुकेशन फॉर रीनल कुलकुले पेशेंट यार। और इस तरह से हम यहाँ पर केस प्लान को फिनिश करते हैं। तो ये था फ्रेंड्स केस स्टडी ऑन किडनी स्टोन, रेनल कैलकुलाई, यूरोलिथियासिस, नेप्रोलिथियासिस, जिसके हमने डिफरेंट स्टेप्स के यहाँ देखे किस तरह से हम नर्सिंग केयर प्लान से डिफर केस स्टडी को लिखते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो केस स्टडी ऑन रीनल कैलकुलाई किडनी स्टोन, जिसके अंदर हमने केस स्टडी को एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट में लर्न किया है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा इसके लिए अपने लाइक्स कमेंट जरूर भेजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल या अना नर्सिंग फाइल प्रिपरेशन फॉर द नर्सिंग कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन। थैंक यू।